नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन प्रताप सिंह जम्वाल हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी का प्रदर्शन आपने देखा, कहीं ना कहीं गुजरात में 5 सीटें लाई और दिल्ली में एमसीबी में कहीं ना कहीं पिछले 15 साल का जो रिकॉर्ड था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इनको तोड़ दिया, क्योंकि पहले से जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठी हुई थी, पिछले 15 साल से काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की कंपेनिंग हुई कूड़े पर, कचरे पर, ताकि दिल्ली में जो कचरे के पहाड़ हैं वो नहीं दिखेंगे। और दिल्ली के लोगों ने दिल खोलकर जो वोट था वो आम आदमी पार्टी को दिया। प्रताप भी उस कंपेनिंग में मौजूद थे। चलिए प्रताप से बात करते हैं। प्रताप, क्या लग रहा है कि अब तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त देश में बन चुकी है? कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर है। पहले नंबर पर जो पारी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात का इन्होंने ये बड़ा अच्छा बताया, गुजरात में 50 पार निकल गई, 150 पार कहीं ना कहीं निकली, लेकिन हिमाचल में क्या हो गया इनको? देखिए, सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी आज तीसरे पैदान पे बेशक है, लेकिन पहले पैदान पे आते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने बड़ी तेज़ी से राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की उपलब्धि हासिल की। आप देखिए, तमाम देश के जितने भी अन्य राजनीतिक दल हैं, उन किसी के 18 साल, किसी ने 15 साल, लेकिन मात्र 10 सालों के अंदर ही हमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जो मान्यता थी वो प्राप्त हुई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सांसदों से शुरू हुए और कई साल लगे उन्हें सरकार बनाने में। इसके साथ ही आरएसएस के साथ साथ लगभग 5 दर्जन के करीब इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारे मिलके भेड़ बकरियों की तरह इस कमल के फूल को खिलाने में लगे होते, लेकिन आज वो कमल का फूल तो खिल गया, लेकिन नीचे जो दलदल था उस दलदल में पूरे देश को उन्होंने पिरो के रख दिया। और मुझे लगता है देश के लोगों ने एक फैसला लिया, गुजरात के लोगों ने आज वोट प्रतिशत देके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि वहाँ पे विधायक भी दिए। इस तरह से आप देखिए, गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, सनमौली के अंदर हमारा मेयर है, बड़ी सारी जगहों पे हमारे आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारी दस्तक है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज DDC, BDC, पंच और सरपंच जीते हुए हमारे साथ चल रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का जो प्रधानमंत्री होगा वो आम आदमी पार्टी का और माननीय केजरीवाल जी पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन पंजाब जो है, अभी ताज़ा आपने पंजाब जीता है, लगभग 6 से 8 महीने हो गए सरकार बने हुए, उसके साथ मिलता जुलता लगता हुआ हिमाचल था, हिमाचल में खाता नहीं खोल पाया, वो क्या हुआ? देखिए, एक बात समझनी होगी कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। म्यूनसिपलिटी MCD का जो चुनाव था, जो लगभग तय था, लेकिन उसको करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे पीछे मतलब चूहे बिल्ली का खेल खेलना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने देखा कि हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव और MCD का चुनाव एक साथ रखे, बल्कि हमारे जो स्टार प्रचारक के तौर पे जो हमारे कंपेनर थे, अगर वो किसी की कंपेन करने भी जाते थे उसका खर्चा कैंडिडेट के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी छूट मिल रही थी। इसके साथ ही आज हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन चुके हैं, बल्कि हमारे जो स्टार कंपेनर कहीं भी जाएंगे उसका जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। एक हमारे पास ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरा, तमाम जगहों पर एक साथ चुनाव करवाना और एक साथ चुनाव कराओ, और हमारी सरकार मात्र दिल्ली के अंदर थी और इसके बाद हमारी सरकार पंजाब के अंदर थी, मतलब 2 राज्यों में सरकार थी। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसके पास कई मुख्यमंत्री, कई MP और बल्कि ये चुनाव जो लड़ रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी, जिस गली में पानी, सफाई और कूड़े के नाम पे वोट मांगने थे, यही प्रधानमंत्री अमित शाह और JP नड्डा जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, बल्कि गली का चुनाव भी ये 370 और राम मंदिर के नाम पे मांग रहे थे। तो मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी ने हार पहले ही मान ली थी। हमारे लिए दुविधा ये थी कि तमाम चुनाव एक साथ थे, आज हमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो उपलब्धि मिली है, आहिस्ता आहिस्ता हम राज्यों में दस्तक दे रहे हैं। यानी कि दिल्ली के लोगों ने, देखिए, राम मंदिर और 370 पर ये वोट मांग रहे थे, क्या लग रहा था कि दिल्ली के लोगों को राम मंदिर या 370 के ऊपर वोट दिया? उन्होंने तो अपनी दिल्ली को बढ़ाने के लिए वोट दिया, दिल्ली को साफ रखने के लिए वोट दिया, लेकिन उसके साथ मिलती जुलती बात है। अब आने वाले वक्त में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो सकता है, होने वाले, क्या केजरीवाल साहब जम्मू आएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता ने वोट आम आदमी पार्टी को इसलिए दिया कि पूरे देश के अंदर हम कूड़े के पहाड़ नहीं देख सकते सिवाय दिल्ली के। पहाड़ तो अक्सर सबने देखे हैं, लेकिन कूड़े के पहाड़ सिर्फ दिल्ली में दिख रहे थे। और दूसरा, 229 वहाँ म्यूनसिपल वार्ड है जहाँ पे चौथे पुस्ते के पास एक और नया कूड़े का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, जो उनके MP जो अक्सर
भोजपुरी गीत भी गाते हैं, बड़े चुटकुले भी सुनाते हैं, और ये कहते रहे कि हम बिजली के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पिछली बार की बात में उनका वादा था कि हम बिजली के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कूड़े से हम बिजली पैदा करेंगे। बिजली तो पैदा वो कर नहीं सके, लेकिन कूड़े का एक और नया पहाड़ बनाने लगे। लोगों ने साफ उनको एक बाहर का रास्ता दिखाया। लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनने का कारण ये था कि आम आदमी पार्टी सफाई को लेकर बात कर रही थी। लेकिन वो तो आज भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेयर हमारा आएगा, क्या 100 सीटों से मेयर आ सकता है? देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा आएगा, तो उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री नहीं आएगा, बल्कि कोई मुखिया भी उनका चुन के नहीं आने वाला। तो ठीक है, एक सपना देख रहे हैं, तो मुझे लगता है सपने देखने में हम उन्हें रोकेंगे नहीं। आज स्थिति साफ जाहिर हो गई है कि दिल्ली के अंदर मेयर आम आदमी पार्टी का बन रहा है। गुजरात के अंदर अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करेगा वो आम आदमी पार्टी करेगा। उसका कारण यह कि 25 ऐसे हमारे नुमाइंदे रहे जो दूसरे नंबर पे रहे, कड़ी टक्कर में रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक मजबूत विपक्ष का रोल हम इस बार अदा करेंगे, और अगली बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी से निकल चुका होगा, और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो नरेंद्र मोदी से लगभग खिसकती जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो फेस वैल्यू खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सिवाय आप अगर एक बात देखिए कि सिवाय आप गुजरात को छोड़ के बाकी तमाम जगहों पे जहां उपचुनाव हुए, वो लगभग 7-8 जगहों पे जो चुनाव हुए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी हार गई है, सिर्फ एक चुनाव गुजरात का छोड़ के। और मोदी मीडिया है वो तो वो दिखाएंगे नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं कि गुजरात में आगे। अब MCD आप हार गए, आप हिमाचल आप हार गए, मैनपुरी की सीट आप हार गए, उत्तराखंड में बाईपुल आप हार गए। मतलब मैं कह रहा हूँ 7 से 8 जगहों पे चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी हार गए। लेकिन ये जो कहते हैं देश भर में डबल इंजन सरकार चल रही है, विकास ही विकास हो रहा है, ये विकास दिखता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, विकास तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो विनाश हो रहा है वो पूरी देश आज देख रहा है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले गिर चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा विनाश है। महंगाई आज चरम सीमा पे है, जो सिलेंडर 450 तक उपलब्ध होता था आज वो 1120 रुपये में उपलब्ध है, ये भी सबसे बड़ा विनाश है। पेट्रोल डीजल के दाम आप देखिए, लगभग पेट्रोल आज 100 के करीब पहुंच चुका है, ये भी विनाश है जो जनता देख रही है। सरसों का तेल, मतलब एक गृहस्थी को घर चलाने के लिए जो मेन उपलब्ध होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जिनसे गृहस्थी चलती है, आज वो एक ऐसे दाम पे पहुंच चुके हैं जिसे एक गरीब के लिए रोजी रोटी का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल था। आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये विकास की धारा बोल रहे हैं, यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार है। उपराज्यपाल साहब ने कहीं ना कहीं कल एक ऑर्डर निकाला जिनमें जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थी 50,000 उनको बाहर का रास्ता दे दिया। उनको कहा गया 60 से ऊपर हो चुकी हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे देगी। ये थी एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी जो है अब नए मीटर आ चुके हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होती है और जम्मू कश्मीर के लोग ही बिजली के जो मोटे मोटे दाम हैं वो यहाँ भरने को परेशान हो रहे हैं। देखिए, पहली बात आंगनबाड़ी की, देखिए महिलाओं के साथ महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी ने सबसे जो अपमान महिलाओं का वो जम्मू कश्मीर में दिया। कारण ये था कि आप जो महिला किसी वार्ड में नियुक्ति होती है, अगर वो शादी करके कहीं और जाएगी उसकी नियुक्ति वहाँ नहीं मानी जाएगी। ये इन्होंने जो नया सर्कुलर निकाला उसमें सीधे क्लियर है। मतलब कहने का मतलब कि एक महिला जो एक वार्ड में सेवा कर रही है, अगर उसकी शादी कहीं 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर होती है तो वो दूसरी वार्ड के लिए मान्यता नहीं होगी। तो मुझे बताइए, क्या महिला के काम को क्या आप ये समझते हैं कि एक महिला जिस वार्ड में सेवा दे रही है वो दूसरी वार्ड में सेवा नहीं दे सकती? बल्कि उसके कार्य प्रणाली की, उसकी क्षमता पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरा, 60 साल की उम्र के बाद जिस महिला से आप लगभग काम लेते जा रहे हैं, एक विधायक आपका चुना जाता है वो पेंशन पूरी उम्र लेगा, लेकिन एक जो आंगनबाड़ी वर्कर है सिर्फ आपने नाम बदल दिया, आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर का नाम बदल दिया। नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आपने उनसे सेवा लेके तो बुढ़ापे का सहारा पेंशन के तौर पे उन्हें देना चाहिए थे, आपने उनसे भी मतलब अपना मुंह मोड़ लिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ग्रेजुएशन के ऊपर तक ना नहीं आएगा, और जो आएगा भी उसके लिए भी मेरिट देखा जाएगा। तो जब मेरिट देखा जाएगा, जब आपने तमाम वो सारी परीक्षाएं उनको पास करके इसके लिए आना पड़ेगा, तो कम से कम उनके लिए बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये धोखा और महिलाओं के साथ जो अपमान है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रही बात जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव को लेकर और केजरीवाल के आने जी की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से भारतीय जनता पार्टी आज भाग रही है, आज डर रही है, वो चुनाव नहीं करवा रही। बल्कि यहाँ पे विधानसभा भंग हुआ है, कई साल हो चुके हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी तहसीलदार को अगर आप रंगे हाथ
करते हैं, आप उसको बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है। इसका मतलब कि जहां से गरीबों का पैसा लूट कसूट करके आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं, तो एलजी साहब भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम करें, तो चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाया जाए ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार आए। और भारतीय जनता पार्टी जो आंखों पर पट्टी बांधी है, वो पट्टी खुले पता चले कि इनको तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको बाहर का रास्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने गिरती हुई लोकप्रियता से डर रही है। मोदी जी के नाम पे जो वोट ले रहे हैं, इनको पता है मोदी जी के नाम पे जम्मू कश्मीर में वो वोट मिलने वाला नहीं है, इसलिए आज ये चोरों की तरह भाग रही है और तभी चुनाव करवाने से डर रही है। देखिए, यहाँ पर पूरे देश भर में मैं आपको बता दूँ, मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। MCB पर भी जो इलेक्शन हुए दिल्ली में, वहाँ पर भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगा गया 370, और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया। ना कि ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कूड़ा जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, कूड़े से मुक्त किया जाएगा, वो सारे नारे आम आदमी पार्टी के थे और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं विजय जो थी वो प्राप्त हुई। 250 सीटें थी जिसमें से 150 के करीब लगभग आम आदमी पार्टी लेगी और 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आए। और दूसरी बात, गुजरात में जिस तरह से ये कहा गया कि प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ, लेकिन सिर्फ एक गुजरात ही इनके हाथ में लगा है, बाकी मैक्सिमम जहां जहां इलेक्शन हुई है वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है।